लेट्स चेक वन मोर टाइम। वेट लॉस जर्नी अब मैं और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कि जब छोटा बच्चा साथ में होता है और आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही होती है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प कर नहीं रहा हो, और खाना ही बन जाए तीनों टाइम वो ही बहुत बड़ी बात होती है। मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बर्डन दे लिया है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो मुझे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ज़्यादा बॉडी एक हो रही है ना, इतनी ज़्यादा बॉडी एक हो रही है। और दो दिन से तो कुछ ज़्यादा ही फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना। हेलो हेलो, मैं फिर से वापस आ गई। जब सोच लेते हो ना कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से दोबारा आ जाता है स्ट्रेस। मुझे तो लगता है ज़िंदगी की यही रूल है। आप दिन भी मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, इवन दैट दो बारी मुझे मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि आज चले खाने, आज चले। ऐसा घर बनाऊंगी, ये तो ज़्यादा फिल्मी हो गया ऐसा। तो गाइस, मुझे ना ऐसे ही खाना खाना पड़ता है और हमेशा ऐसे ही होता है। हाय, कौवा बोल रहा था कह कह, मैंने कहा हाय। तो व्लॉगिंग के बिना मन भी नहीं लगता है। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। और कैसे चल रही है आपकी वेट लॉस जर्नी? तो आज के वीडियो में कुछ डिफरेंट होने वाला है। वेट लॉस जर्नी अब मैं और कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। और मेरा जो मेंटल पीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और उसे वापस लेके आना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एक तो मेरे घर में इतना ज़्यादा क्लटर हो गया ना, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा। और जो भी न्यू मॉम्स है वो बहुत अच्छे से समझ सकती है इस चीज़ को, कि जब छोटा बच्चा साथ में होता है और आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही होती है, कोई भी रीज़न हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प कर नहीं रहा हो, और कोई आपकी हेल्प करना चाहता हो लेकिन कर नहीं पा रहा हो, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जब कोई हेल्प नहीं मिल रही होती और आपको अकेले सब कुछ करना होता है, एक बच्चा है आपके पास 6 साल का और एक आपके पास है 7 महीने का, तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। मुश्किल से खाना ही बन जाए तीनों टाइम वो ही बहुत बड़ी बात होती है। और अभी तो मेरे पास कोई हाउस हेल्प भी नहीं है, बिकॉज मैंने अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे एक 1.5 महीने के लिए हाउस हेल्प रखी थी, पर फिर वो उसके बाद गांव चलेगी डिलीवरी के बाद, थोड़े दिन बाद ही वो गांव चलेगी। तो उसके बाद सारा काम मुझे ही करना पड़ा। इवन दैट मेरा जो 40 डेज का वो होता है वो भी अच्छे से पूरा नहीं हो पाया। चलो जो भी है, जैसा भी है, क्या बता रही थी, हाँ, तो इतना ज़्यादा क्लटर हो गया है ना, धीरे धीरे काम पाइलअप होता जा रहा है, और वो इतना ज़्यादा पाइलअप हो गया कि इतना मतलब मेरी जो मेंटल पीस है वो ख़त्म हो गई है। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इमोशनल ब्रेकडाउन, और भी बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो मैंने सोचा है कि अब डाइट को थोड़े दिन के लिए ब्रेक दूँगी मैं, एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए ब्रेक देने वाली हूँ, 5-7 दिन के लिए। 1 जून से दोबारा से कोशिश करूँगी कि स्टार्ट कर लूँ, और फिर आपके लिए सारी वीडियोस लेकर आऊँगी, और उसमें मैं वर्कआउट भी इंक्लूड करूँगी, एंड वर्कआउट भी कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करने का, बिकॉज मुझे वर्कआउट वीडियोस बनाते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है। कुछ तो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो रखा है कि वर्कआउट वीडियोस बनाते टाइम अच्छा नहीं लगता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप क्या चाहते हो, कि डाइट के साथ साथ वर्कआउट वीडियोस भी शेयर करूँ या ना करूँ। तो जब भी ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वैसा ही करेंगे। एंड बॉडी एक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना मेरी, आप मानोगे, अभी मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और सिर्फ 2 मिनट हुए हैं, एंड मुझसे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है, और मैंने नीचे ऐसे सपोर्ट दे दी है। तो यस, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन हो गया है। झाड़ू पोछा बर्तन, यूविन, आद्विक, आदू के पापा, और उसके अलावा बोलते हुए भी मेरा तो गला बैठ ही जा रहा है, उसके अलावा बॉडी पेन, और मतलब ऐसा लग गया। और ऊपर से यूट्यूब का काम करती हूँ तो इंस्टा का छूट जाता है, इंस्टा का करती हूँ तो यूट्यूब का छूट जाता है। मतलब मैंने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बर्डन दे लिया है, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। तो थोड़ा सा मैं इन 4-5 दिनों में रिलैक्स करना चाहती हूँ। हालांकि वीडियोस मैं कोशिश करूँगी कि आती रहेगी, जो भी डेली व्लॉग मैं बनाऊँगी वो आते रहेंगे, बट एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं मैं डाइट फॉलो ना करूँ, कुछ भी अटरम शटरम खाती रहूँ और दिखाऊँ ना कि हाँ भाई मैं हेल्दी खा रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता ना।
तो यस मुझे फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, इतनी ज़्यादा बॉडी एक हो रही है ना, इतनी ज़्यादा बॉडी एक हो रही है। और दो दिन से तो कुछ ज़्यादा ही फ्रोजन शोल्डर हो जाता है ना, कि मतलब ज़रा से ऊपर भी नहीं उठ रहा, वो हालत हो रही है। व्यूविन को भी उठाते टाइम मुझे ना बस बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्या क्या बताऊँगी आपको मैं। तो अभी 4-5 दिन के लिए तो जो मेरा प्लान है वो यही है कि पूरे घर को ना थोड़ा उसका स्ट्रक्चर ठीक करूँ और थोड़ा सा साफ करूँ घर को, ताकि मेरा माइंड भी साफ हो। वो कहते हैं ना क्लटर फ्री होम इज इक्वल टू क्लटर फ्री माइंड, एंड क्लटर फ्री माइंड अगर होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, आपका दिन प्रोडक्टिव रहेगा, आप खुश रहोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ी देर के बाद मिलती, बिकॉज मेरी पेन बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरे से फ़ोन भी नहीं उठाया जा रहा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिलहाल मैं अभी 6 बज रहे हैं और युविन और आद्विक दोनों सो रहे हैं अभी, तो सोचा चलो आके तब तक थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा है कि जब काम भी हो जाएगा तो ऐसे ही फ़ोन पकड़ना पड़ेगा। तो सुबह का टाइम ऐसा है कि काम हो जाएगा, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है और दोनों बच्चे भी सो रहे हैं तो काम करने देंगे और जल्दी से बातें नहीं करते, फटाफट से काम करते। थायराइड की मेडिसिन लूँ पहले, तो मेरा थायराइड पता नहीं क्यों इतना बढ़ता रहता है, और 100 मेरे को MG होते हैं, 100 माइक्रोग्राम होते हैं, तो उसकी टैबलेट लेनी पड़ रही है अभी तो फिलहाल। तो यस, ये कैमरा का एंगल अच्छा नहीं लग रहा है, फिर दोबारा से ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा। तो यस, जल्दी से अपनी थायराइड की मेडिसिन लेते हैं और अभी मशीन भी लगानी। मेरे तो रोज़ कपड़े ही नहीं ख़त्म होते, पता नहीं इतने कपड़े कहाँ से गंदे करते हैं सब लोग। तो चलो जल्दी से पहले करते हैं, बहुत सारी बातें होगी और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो हेलो, मैं फिर से वापस आ गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बारी, जब लास्ट डे था कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 डेज की लास्ट डे ऑफ माई वेट लॉस जर्नी, पोस्टमार्टम वेट लॉस जर्नी। वेट लॉस जर्नी तो आगे कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज इतना वजन है उसको कम करने में टाइम तो जाएगा, तो क्यों ना एक बारी वेट अपडेट कर लिया जाए कि क्या वेट बढ़ा है, कम हुआ है या फिर उतना ही है। क्योंकि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तब 108 से करी थी और अब देखती हूँ कितना है, बिकॉज स्ट्रेस, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था कि स्ट्रेस नहीं लेना, बट स्ट्रेस हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। आप जब सोच लेते हो ना कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से दोबारा आ जाता है स्ट्रेस। मुझे तो लगता है ज़िंदगी की यही रूल है, आप सोचोगे मुझे स्ट्रेस नहीं लेना और वहाँ यूनिवर्स बैठा है कि हाँ भाई कैसे नहीं लेना स्ट्रेस, स्ट्रेस तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा, वो अब तुम्हारी विल पावर है कि तुम उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो। तो चलो जल्दी से वेट कर लेते हैं, अभी सुबह सुबह का टाइम है, फटाफट से वेट करके चेक कर लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आ गई मेरी वेइंग मशीन, बट कभी कभी तो मुझे ना इस वेइंग मशीन पे भी ना डाउट होता है, और मैंने अभी उस दिन दिखाया था ना कि कितना कलेरा पड़ा हुआ है, तो अभी थोड़ा सा रह गया। अंदर का जो स्टोर है वो बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने और अभी बहुत सारी चीज़ें साफ करने वाली रहती है, तो जल्दी से वेट करते हैं। लेट्स चेक वन मोर टाइम। तो गाइस, मुझे लगने लगी थी गर्मी, क्योंकि इतनी गर्मी अभी सुबह सुबह ही शुरू हो गई है, तो मैंने अपने हेयर टाई कर लिए एंड यस आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मेरा 4 kg वेट लूज ही हुआ है, बड़ा नहीं है। बिकॉज अगर मेरा, आप मानोगे, 40 डेज में इतना वजन कम हुआ है ना, तो वो सिर्फ एक डाइट की वजह से, बिकॉज वो तो मैंने फॉलो ही नहीं किया, वर्कआउट तो मैंने फॉलो ही नहीं किया, वर्कआउट तो किया ही नहीं, टाइम ही नहीं मिला वर्कआउट करने का मुझे तो। लेकिन अब आगे जब अपनी जर्नी स्टार्ट होएगी तो वर्कआउट भी करूँगी एंड शेयर भी करूँगी आपके साथ, कोशिश करूँगी शेयर करने की, प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट यस वर्कआउट करूँगी एंड आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कम ही हुआ है। बिकॉज जिस हिसाब से मेरा रूटीन हो गया था और कुछ भी खाना, कुछ भी पीना, कोल्ड ड्रिंक और छोले भटूरे, मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में, पूरी वेट लॉस जर्नी में आई थिंक 1 दिन भी छोले भटूरे नहीं खाए, 1 दिन भी, मतलब 40 दिन लगा लो, 40 दिन से मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो 1 दिन भी मैंने छोले भटूरे नहीं खाए। इवन दैट 2 बारी मुझे मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि आज चले खाने, पता नहीं अंदर से इच्छा ही नहीं हुई। तो सोच रही हूँ कि ये जो 4-5 दिन का मैंने ब्रेक लिया है जो, उसमें 1 दिन जाके छोले भटूरे खा के आऊँ, मतलब ये नहीं कि दोबारा से बाउंस बैक कर लूँ अपना वेट, बट यस एक अचीवमेंट गेन करी है, तो
छोटी छोटी सेलिब्रेशन भी करनी चाहिए। तो देखते हैं, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है। वैसे तो मैं आपके साथ डेली व्लॉग्स शेयर करूँगी ही, और जो भी खाऊँगी पीऊँगी कोशिश करूँगी शेयर करने का, बट अपने ऊपर बर्डन नहीं लूँगी कि व्लॉग करना ही करना है, बिकॉज ये 5-6 दिन मैं पूरी तरह से रिलैक्स करना चाहती हूँ। अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा बना के एक ऐसा घर बनाऊँगी ये तो ज़्यादा फिल्मी हो गया, ऐसा घर बनाऊँगी कि अंदर घुस के अच्छा लगे, पीस ऑफ माइंड मिले, शांति मिले, और उसके बाद फिर व्लॉगिंग की कोशिश करूँगी कि डेली लेकर आऊँ। तो बस गाइस, जल्दी से मशीन लगाते हैं, क्योंकि उसके बाद धूप हो जाएंगी और कपड़े धोने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, और कपड़े आज धोने ज़रूरी है। तो यस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हेलो गाइस, क्विक अपडेट। तो अभी बज रहे हैं 10:45 और हमारा जो नाश्ता है वो हो चुका है, कॉफ़ी हमने पी ली हुई है, और उसके अलावा जो कपड़े धोने थे वो भी धुल चुके हैं, ऊपर सूखने भी डाल के आ चुकी। मतलब आज जल्दी उठ के इतना अच्छा सा फील हो रहा है ना कि ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो फिनिश हो गया है, तो बस लंच वंच बनाना है। और बल्कि कपड़े धोते धोते थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बीच में यूविन भी उठ गया था, फिर उसको फीड करवाया, फिर ये बच्चा उठ गया था, ये रोने लग गया। रोने लग गए थे ना आप? रोने लग गए थे ना? हाँ जी। क्यों रोए थे? ऐसे वो अपने आते आता मैं इसको लॉक लगा के और ऊपर चली गई थी कपड़े डालने के लिए, और कपड़े धो रही थी और ऊपर चली गई थी, तो इतनी देर में ये उठ गया और बच्चा रोने लग गया। और मैंने इसको बोला कि स्ट्रॉन्ग बनते हैं, 5 मिनट वेट करते हैं, मम्मा आ जाते होते हैं, है ना। तो बस गाइस, अभी का अपडेट यही है। तो गाइस, दोनों बच्चे सो रहे हैं और अभी बज रहे हैं 2:45, और यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना लंच, और लंच में बहुत सारा सैलेड और साथ में रोटी और साथ में दाल। तो ये सी होने वाला मेरा लंच। सो गाइस, दाल, रोटी एंड सैलेड। ऑल दो डाइट नहीं अब मैं फॉलो कर रही हूँ, बट फिर भी मैं सैलेड ले रही हूँ, और सैलेड ये सारा नहीं खाने वाली हूँ मैं, हस्बैंड भी खाएंगे इसमें से। तो ये सी होने वाला लंच। तो गाइस, मुझे ना ऐसे ही खाना खाना पड़ता है, और हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी मैं खाना लेके बैठती हूँ उसी टाइम पता नहीं कैसे बच्चों को पता चल जाता है और बच्चे उठ जाते हैं, और यहाँ पे ये शैतान उठ गया हुआ है। यूविन, हेलो हेलो और बस खाना खा रही हूँ, साथ में इसको बातों में लगाया हुआ है, और जल्दी से अपना खाना फिनिश करती हूँ। तो गाइज, यहाँ पे कपड़े गए हैं सूख, और शाम का टाइम हो गया है, एंड यहाँ से जो सनसेट है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो यस, जल्दी से कपड़े लेके चलते हैं नीचे। ऊपर जो कैमरा की क्लैरिटी है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। तो यस, कपड़े सूख गए, जल्दी से इसको लेके चलते हैं नीचे, और रूम की सफाई काफ़ी हद तक हो गई है। हाय, कौवा बोल रहा था कह कह, मैंने कहा हाय। तो यस, जल्दी से ये कपड़े लेके चलते हैं नीचे। क्या बोल रही थी? हाँ, रूम की जो सफाई है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है, एंड आई एम ग्लैड, थोड़ा अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है अब रूम में अंदर जाके। और बस आज के व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम कल, और देखूंगी अगर कल व्लॉगिंग कर पाई तो ज़रूर मिलूंगी, नहीं तो फिर देखते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेने की कोशिश कर रही हूँ, बट व्लॉगिंग के बिना मन भी नहीं लगता है। सो यस, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।